कोर्ट के आदेश का पालन कराते हुए बरसाना पुलिस ने दिलाई माया देवी को 6 माह की सेवा। आज श्री राधा रानी मंदिर में काफी नाटकीय अंदाज के बाद माया देवी को सेवा मिली। सिविल कोर्ट छाता के द्वारा दिए गए सेवा के स्टे का पालन कराने के लिए कोर्ट ने दोबारा से थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाए। इंस्पेक्टर मुकेश कुमार मलिक के आदेश का पालन कराने के लिए पुलिस बल के साथ दोपहर में राजभोग आरती पर लाडली जी मंदिर में माया देवी को सेवा दिलाने के लिए पहले से सेवा कर रहे राज बिहारी एवं अन्य सेवायतों से वार्ता करने गए, जहां सेवायत इंस्पेक्टर को सेवा देने से मना कर दिया। मंदिर के प्रति आस्था एवं मंदिर की गरिमा को देखते हुए पुलिस लौट आई। इसके बाद सेवा न मिलने से नाराज 80 वर्षीय विधवा महिला एक दर्जन महिलाओं के साथ थाने में जाकर धरने पर बैठ गई। इसके बाद प्रभारी निरीक्षक ने दोबारा शाम 6 बजे मंदिर में प्रवेश किया, जहाँ सेवायतों ने मंदिर के गर्भगृह का गेट लगाने का प्रयास किया तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए गर्भगृह गेट के अंदर घुस गई, जहां एक सेवायत ने पुलिस के बहस की तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके थाने ले जाने का प्रयास किया तो उसके ऊपर सेवायत बैकफुट पर लाया गया। इसके बाद सुरेश गोस्वामी, भोला शंकर गोस्वामी, हरिओम गोस्वामी ने सेवा लिखी पड़ी में माया देवी को सौंप दिया। इसके बाद देश भर से आए श्रद्धालुओं ने राधा रानी के दर्शन कर जमकर किए। देखो, अन्याय पर न्याय की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है। ये विवाद 27 तारीख से निरंतर चला रहा था और दबंग लोगों ने माया देवी को सेवा नहीं दी। माया देवी द्वारा उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, उसमें माया देवी को स्थगन प्राप्त किया। प्रशासन द्वारा यह कह के स्पष्ट आदेश नहीं है, सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहाँ स्पष्ट आदेश कराया गया और माया देवी की सेवा स्पष्ट की गई, उस आदेश को भी नहीं माना। फिर माननीय सिविल जज जूनियर डिवीजन छाता ने एक स्पष्ट आदेश थानाध्यक्ष और कप्तान SSP मथुरा के लिए कुछ भी संलग्न कराया कि शीघ्र ही इसका अनुपालन कराया जाए। आज SSP मथुरा द्वारा थाना बरसाना को निर्देशित करके माननीय सिविल जज जूनियर डिवीजन और उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराने के लिए थाना अध्यक्ष बरसाना को भेजा गया और थोड़ा सा वो लोग आनाकानी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको बताया कि ये उच्च न्यायालय का और माननीय न्यायालय का आदेश है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। और थोड़ा सा हल्का सा कार्रवाई करके और माया देवी जी को सेवा हस्तांतरण कर दी गई है, चार्ज ले लिया गया है। बड़ी साथ में अच्छे वातावरण में सेवा का आदान प्रदान हुआ है। किशोरी जी, अब दरबार में आज माया देवी जी की सेवा है। अपने आदेश लेके प्रशासन के द्वारा हम श्री जी पे आए, हमें सेवा दी गई है आज श्री जी मंदिर की 6 महीने की, और कोर्ट तहसील और आदेश थे उसी की मदद से हमें सेवा मिली है श्री जी की। सत्य में जैसे सत्य की सजा हमको मिली है आज 15वें दिन कोर्ट के और मतलब प्रशासन को दिया गया था कि इनको सेवा दिलाई जाए, जो जो उन्होंने पालन किया उसका, और हमको सेवा दिलाई माया को।